नहीं जी, मुझे पार्टी में कोई इन्वाइट नहीं करता, पार्टीज होती हैं स्टार्स के लिए, मैं एक लेबर क्लास आदमी हूँ फंडामेंटली। ये जो फर्नीचर हमारे घर में दिख रहा है इसमें से काफ़ी कुछ मैंने बनाया है, मेरा अंदर एक कमरे में जिम बना हुआ है। फिजिकल वर्क मेक्स मी रिलैक्स, गिव्स मी ए गुड नाइट स्लीप। मैं न कवि हूँ न लेखक हूँ, मेरे में कोई फाइन आर्ट्स नहीं है, मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, इंजीनियर बाय टीचिंग बाय एजुकेशन एंड अदरवाइज पहलवानी कर लेता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ये एक तरीके से हॉबी है। मेरा अंदर एक कमरे में जिम बना हुआ है, बाहर के जिम भी है, तो हफ्ते में 4-6 घंटे तो मैं ये काम करता हूँ। बाकी अगर हॉबी देखा जाए तो मैं एक लेबर क्लास आदमी हूँ फंडामेंटली। ये जो फर्नीचर हमारे घर में दिख रहा है इसमें से काफ़ी कुछ मैंने बनाया है अपने हाथों से, खुद लकड़ी काटी है, खुद लकड़ी छीली है और खुद उसको पॉलिश किया है। मेरे पीछे ये जो राइटिंग टेबल है ये 40 साल पहले मैंने बनाई थी, इसको बनाने में 4 दिन लगे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कारपेंट्री करता रहता हूँ, मेरे पास कारपेंट्री का हर किस्म का औजार है, हाथ का भी है, इलेक्ट्रिक भी है, सब कुछ है। इधर एक है, इधर एक कबर्ड्स बने हुए 2, उनमें भी वही काम है। तो मैं अपने हाथों से काम करने का शौक़ रखता हूँ, जो हाथ यूज़ करता हूँ। मैं अपने जूते पॉलिश खुद करता हूँ और मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, उनको पॉलिश करके शाइन करके रखता हूँ, पॉलिश करता हूँ, कारपेंट्री करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मन शांत रहता है। वरना ऐसे ही बैठे रहो तो मन में बहुत तनाव रहता है, व्याकुल रहता है दिमाग। ये सब करते हुए फिजिकल वर्क मेक्स मी रिलैक्स, गिव्स मी ए गुड नाइट स्लीप, नींद अच्छी आती है, खाना अच्छा खाते हैं, ठीक रहते हैं, फिर उपद्रव करने की तबीयत नहीं होती है। वरना लोग फालतू बैठ रहे थे तो उपद्रव सोचता है, उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ हरकत कर देते हैं। तो मैं शांत हूँ, मेरा अच्छा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। और ये सब करने को नहीं मिला तो पिक्चर देख लेता हूँ अपने कंप्यूटर पे, हम लोग टीवी पे भी नहीं देखते आजकल, सब लोग अपने फ़ोन पे पिक्चर देखते हैं, मैं भी वही करता हूँ, या अपने लैपटॉप पे पिक्चर देखता हूँ हेडफोन लगा के, ये अपना पास टाइम है। जो काम हम करते हैं बस वही देखते हैं, मार पिटाई की पिक्चरें देखते हैं, जहाँ खूब गोलियाँ चलती हैं, खूब धड़म धड़ुम होता है, कुछ कार चेस होती है, कार्स टकराती हैं। मैंने कहा ना, मुझ में कोई फाइनल ग्रेस नहीं है, आई एम नॉट अ पोएट, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ मैन विथ ऑल दीज फाइन थिंग्स। हम सिर्फ मामूली आदमी हैं, मारपिटाई का काम करते हैं, ज़िंदगी में नहीं करते, अपनी लाइफ में नहीं करते, लेकिन फिल्मों में करते हैं और बस वही देखते हैं फिल्मों में। हाँ जी, पढ़ता बहुत था मैं, आजकल नहीं पढ़ता, आजकल अच्छी किताबें नहीं आती, आजकल पिक्चरें बेहतर आती हैं, किताबें लिखना लोगों ने एक तरीके से बंद कर दिया है। जो पहले राइटर्स हुआ करते थे, जो अच्छी एक्शन फिल्में लिखते थे, जैसे ईएन फ्लेमिंग वगैरह जैसी राइटर्स जो थे, रॉबर्ट लुडलम, ऐसे लोग अभी गायब हो गए हैं। तो मैं किताबें पहले खरीद के पढ़ता था, आई यूज़ टू लिव एज अ पेइंग गेस्ट, और मेरे रूम में एक टेबल थी, छोटी सी टेबल, उस पर किताबें जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, वैसी खड़ी रहती थी, ऐसी टेढ़ी, रखने की जगह नहीं। फिर जब भी मैं माँ बाप के घर जाता था तो एक ट्रंक फुल भर के मैं ले जाता था, उनको वहाँ छोड़ के आ जाता था। अभी मेरे पास आ गई है किंडल, तो किंडल में डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहा ना, आजकल किताबें मिलती नहीं अच्छी, राइटर्स हैव, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू द राइटर। इनफैक्ट आप किताब खरीदने जाओगे एक्शन सब्जेक्ट्स की, आप देखोगे दे आर ऑल रिटन बाय लेडीज, देर आर नो मोर जेंटलमैन और मैन राइटिंग बुक्स, दे डोंट हैव द टाइम फॉर इट, आई डोंट नो व्हाट, बट बुक्स आर ओनली रिटन बाय लेडीज टुडे, एंड सम ऑफ देम आर गुड, सम ऑफ देम आर नॉट गुड। लेकिन मेरा अभी तक मुझको अच्छी कोई राइटर मिली नहीं पढ़ने लायक, तो ये एक दुख है मुझे कि किताबें नहीं मिलती हैं पढ़ने को, और मैं सिर्फ अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ता हूँ।
बेचारा हिंदुस्तान का हिंदी राइटर जो है उसकी बेचारा गरीब ही रह जाता है। मैं अध्यात्म की किताबें नहीं पढ़ता, मैं सेल्फ हेल्प की नहीं पढ़ता, मैं योग की किताबें नहीं पढ़ता, मैं ये सब चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ। जो कुछ मुझको सोचना है, जो अपनी मानसिक क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें जो करना है वो मैं खुद सोच के करता हूँ। आई थिंक अ लॉट। इनफैक्ट वन ऑफ माई थाट्स इज इन अ वर्ल्ड दैट इज इम्पॉसिबल एनीथिंग इज पॉसिबल, गॉड इज पॉसिबल, लाइफ आफ्टर लाइफ इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहने का मतलब ये कि आप अगर कभी दिमाग लगा कर सोचें या कभी आसमान की तरफ देख करके सोचें, आसमान में आपको सितारे दिखेंगे, तारे दिखेंगे, विच आर थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे। आई मीन इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग फॉर माई माइंड, फॉर अ ह्यूमन माइंड दैट कंसेप्ट इज इम्पॉसिबल। दिस यूनिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम उसमें हैं, हम जिंदा हैं, हम सोच रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, मृत्यु के बाद फिर से जीवन भी हो सकता है, भूत प्रेत भी हो सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो नहीं हो सकती है। एक दिन शरद सक्सेना सुपरस्टार भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं जी, मुझे पार्टी में कोई इन्वाइट नहीं करता। पार्टीज होती हैं स्टार्स के लिए, और स्टार्स एक अलग स्टेटा में रहते हैं, वो एक अलग लेवल पे होते हैं। स्टार्स ओनली टॉक टू स्टार्स, स्टार्स ओनली हैव डिनर एंड पार्टीज विद ईच अदर। वी आर इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। ये फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा भाग है जो दुनिया जानती नहीं इसके बारे में। हम लोग सिर्फ फिल्मों में मिलते हैं, शूटिंग के दौरान मिलते हैं, और जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती है हम चले आते हैं। ऐसा है भाई, मेरा हमेशा से ये कहना है कि जो भी काम करो ठीक से करो, वरना मत करो। ये मेरा एक मोटो है, जो भी करो ठीक से करो वरना मत करो। और अपने देश से प्यार करो, यही एक देश है तुम्हारा, आपको सुकृत मिलेगा, यही मिलेगा, दूसरे देशों में आपको घुसने नहीं देंगे। यही एक देश है, इसको प्यार करो और इसको करप्शन से बचाओ, बस। हमारा देश बहुत ऊंचाई तक जा सकता है अगर करप्शन हट जाए यहाँ से तो।